अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे हम, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्वालिटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर में 11th क्लास के लिए, ठीक है। तो आज हम क्वालिटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि आज तक देख लीजिए हम गैस लॉज के बारे में पढ़ रहे थे कि गैस लॉज हमारे क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा, प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप। इसी तरह आपने चार्ल्स लॉ भी पढ़ लिया, एमंटोन्स लॉ, गेलुसेक्स या जिसको आप एवोगैड्रो लॉ भी, ठीक, डॉल्टन्स लॉ, ठीक है। अब देख लीजिए ये जो सारे लॉज यहां पे थे ये लॉज कैसे आ गए केमिस्ट्री में, या तो इन साइंटिस्टों की ऑब्जर्वेशन की वजह से उन्होंने जो देखा वही लॉ बना लिया, ठीक है। एंड दूसरी बात क्या, एक्सपेरिमेंटेशन। दो चीजों से जो ये साइंटिस्ट्स थे हमारे बॉयल्स, चार्ल्स, एमंटोन्स, बहुत सारे आपने पढ़ लिए हैं, उन्होंने दो तरीके यूज किए, क्या, एक तो इसके ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा नेचर में, एंड नंबर सेकंड एक्सपेरिमेंटेशन किए एंड अपने लॉज हमें दे दिए। लेकिन ये जो गैसेस है, हम जब गैसेस की बात कर रहे हैं, ये क्यों ओबे करते हैं इन लॉज को, ये इन लॉज को क्यों क्या ओबे करते हैं, ठीक है। क्या मतलब, व्हाई गैसेस ओबे दीज लॉज, ये गैस इन लॉज को क्यों ओबे करते हैं, एक बात। और दूसरी बात, इन लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए, एक बात ये कि गैसेस क्यों इन लॉज को ओबे करते हैं, एंड दूसरी बात कि इन गैस लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी होनी चाहिए थी, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, ठीक। अब क्या हो गया, अब बर्नौली द फर्स्ट साइंटिस्ट 1735 में उसने एक थ्योरी दे दी जिसको हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोला, लेकिन तब से अब तक बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पे काम किया, जैसे मैक्सवेल ने, बोल्ट्जमैन, क्लाशियस 1858, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पे काम किया। आज हमारे पास जो थ्योरी है, मॉडिफाइड थ्योरी है, वो किसकी, ये बर्नौली की, क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये है कि इसको आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्यों बोलते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्यों नाम दिया गया, देख लीजिए यहां पे, फिर हम इसके अजम्पशन पढ़ लेते हैं, इसके पार्शुलेट्स पढ़ लेते हैं दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिनकी वजह से आप आइडियल गैस एंड रियल गैस के दरमियान डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, और आगे जाकर आपको पता लगेगा कि आइडियल गैस क्या है एंड रियल गैस क्या है, या डिविएशन भी देख सकते हो, ठीक है। हमने बोला कि इस थ्योरी का नाम रखा गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मॉलिक्यूलर इसलिए बोला गया, इट वॉज सपोज्ड, इट वॉज टोल्ड दैट जो ये गैसेस है, इट कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड व्हाट, दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। काइनेटिक मींस, एंड दीज मॉलिक्यूल्स हैव व्हाट, दीज मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस दे आर रेंडमली मूविंग, ठीक है। हाँ, क्या बोला हमने अब तक, हमने बोला कि जो हमने लॉज देखे, या अगर आप कोई कॉन्सेप्ट देख सकते हो गैसेस के, कंप्रेसिबिलिटी, एक्सपेंसिबिलिटी, ये तो आप एक्सपेरिमेंटल के थ्रू कर सकते हो, जैसे आप
लॉज भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू किए, लेकिन ये गैसेज इन लॉज को या इन प्रॉपर्टीज को ओबे कैसे करता है उसके लिए एक थ्योरी होनी चाहिए थी, जो बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बर्नौली, क्लाशियस। अब हमारे पास जो थ्योरी है दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका नाम क्यों पड़ गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी? इट वाज सपोज्ड, इवन कि सच भी है, कि जो गैसेस है इट कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एंड काइनेटिक इसलिए क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी दे आर रैंडमली मूविंग विद दैट एनर्जी। हां, और एक बात भी, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक मॉडल, माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस? क्योंकि पता है हमें, इफ दिस गैस कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल, दीज मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल, इट कैन, दे कैन नॉट बी सीन, दे कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेकड आई। देख लीजिए, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि जो ये गैस है मॉलिक्यूल से बना है एंड मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, ये रैंडमली मूवमेंट करता थी, ये तो ठीक है। माइक्रोस्कोपिक मॉडल क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो ये मॉलिक्यूल्स है दे आर वेरी मच स्मॉल। जब ये बहुत ज्यादा स्मॉल है तो हम इनको देख नहीं सकते अपनी आंखों से, तो भी हम इसको माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, एक बात आप याद रखिएगा, जो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, it is only and only for what? It is for ideal gases. इसके जो assumptions हैं, बहुत सारे assumptions, खासकर एक दो assumptions, वो किसके लिए हैं? Ideal gases के लिए हैं, real gases उनको follow नहीं करता, real gases उनको follow नहीं करता। अब हम देख लेंगे कौन कौन सा ऐसा model है हमारा, ठीक है। क्या लिखा हमने? Kinetic theory of gases. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसका फर्स्ट एजिप्शन, फर्स्ट पॉस्टुलेट। हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे पॉस्टुलेट्स हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स इसके ले लेंगे, ठीक है। एंड द फर्स्ट इज एवरी गैस कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज, आप नोट कीजिएगा साथ साथ, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या बोला हमने? हम ये बोल रहे हैं एवरी गैस कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स Called molecules, ठीक है। And the molecules of particular gas are identical in all respects. देख लीजिए यहां पे क्या बोल रहे हैं हम, कि जो भी गैस आपको दिया जाएगा, आप जिस किसी गैस की भी बात कर रहे हो, करोगे, वो गैस क्या होगा, उस गैस में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, जिनसे वो गैस बना होगा, उन पार्टिकल्स को आप क्या बोलते हो मॉलिक्यूल्स, क्या बोलते हो आप, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये पहली लाइन है इसमें, क्या है ये पहली लाइन, एवरी गैस कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ऑल रेस्पेक्ट्स, व्हाट डज ऑल रेस्पेक्ट्स मींस? फॉर एग्जांपल, अगर हम साइज, अगर हम मास, अगर हम शेप की बात करें, किस किस की बात करें, साइज, मास एंड शेप की बात करें, तो हम क्या बोल रहे हैं, एवरी गैस कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ऑल रेस्पेक्ट्स मींस,
अगर मैं यहां पे क्या करूं, मैं यहां पे नाइट्रोजन गैस ले लूं और साइड में यहां पे मैं क्या ले लूं, हाइड्रोजन गैस फॉर एग्जांपल, इसके भी अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जिन पार्टिकल्स को आप क्या बोलोगे, ये मॉलिक्यूल्स है। किसके मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के। इसी तरह इसके पास भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनसे ये बना होगा, उनको आप बोलोगे कि ये मॉलिक्यूल्स है। किसके मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के। ये मॉलिक्यूल्स है किसके मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के। ठीक है, क्या बोला, एवरी गैस कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल इन ऑर्डर। देख लीजिए अब ये आइडेंटिकल क्या हुआ, अगर आप नाइट्रोजन की बात करोगे, यहां पे आप इस एक मॉलिक्यूल को ले आओ, यहां पे हमने ये एक मॉलिक्यूल लाया, अगर आप इस मॉलिक्यूल को क्या करोगे, इसका साइज देखोगे कितना है, इसका मास देखोगे, तो फिर इससे क्या हो जाता है, आप ये देख लोगे कि आप दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करोगे तो दोनों मॉलिक्यूल्स के पास सेम शेप, सेम मास, सेम शेप, सेम मास, सेम साइज होगा। एक पर्टिकुलर गैस में उसके मॉलिक्यूल्स आप कंपेयर करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स को क्या करोगे, इसके इसके ये सेम होंगे ऑल रेस्पेक्ट्स, साइज भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा, मास भी सेम होगा। ठीक, इसी तरह यहां पे भी क्या, साइज, शेप एंड मास, इनका भी क्या होगा, इनका भी सेम होगा। ठीक, अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इसका एक लाइए, इसका एक मॉलिक्यूल लाइए, दे विल बी डिफरेंट, दे विल बी व्हाट, दे विल बी डिफरेंट इन ऑलमोस्ट इन वन रेस्पेक्ट, दैट मींस इट्स मास विल बी डिफरेंट, इट्स मास विल बी डिफरेंट। ये हम यहां पे ऐड करने वाले हैं, एवरी गैस कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स एंड आर डिफरेंट इन डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट इन डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सिंपल सा पॉइंट है कि आप किसी भी गैस गैस को लाओ, वो छोटे छोटे एक पार्टिकल्स से बना होगा, उन पार्टिकल्स को आप क्या बोलते हो, उन पार्टिकल्स को आप मॉलिक्यूल्स बोलते हो। ठीक है, और एक गैस, एक पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में सिमिलर होंगे, शेप, साइज, मास, लेकिन अगर आप दो गैस को कंपेयर करोगे, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में डिफरेंट होंगे, शेप, साइज, मास इनमें से डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट। ठीक, अब हम यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेंगे, दूसरा पॉइंट किसका, हाँ, सेकंड पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हम अभी पढ़ रहे थे, कौन से मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनसे गैस बना है, द मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन डिफरेंट डायरेक्शंस with different velocities, with different velocities। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है, अब ये मॉलिक्यूल्स कहां से निकल गए, ये मॉलिक्यूल्स हम गैस से देख रहे हैं कि जिसकी जिसकी वजह से गैस बना है हमारा, अब ये मॉलिक्यूल जो इस गैस में है ये रेस्ट में नहीं होते हैं, ये बात यहां पे लिख लीजिए, नॉट एट रेस्ट, ये रेस्ट में नहीं होते, तो फिर क्या करते हैं, दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, हम यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली, या हम इसको बोलते हैं रैंडमली, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अब जब ये मूवमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे मॉलिक्यूल है, ये इस डायरेक्शन में गया, यहां गया, यहां गया, ये क्या कर रहे हैं, हाफजर्ड मैनर में, ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये एक जगह पे रेस्टेड नहीं है, रेस्टेड नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, जब ये मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, मूवमेंट को, क्या मूवमेंट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस गैस मॉलिक्यूल इस गैस में मूवमेंट कर रहे हैं, जब ये मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि
कि ये गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये आपस में कोलाइड करे, क्या करे आपस में कोलाइड, ठीक। एक तो ये आपस में कोलिजन करेंगे और साथ साथ किसके साथ कोलिजन करेंगे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, वॉल्स ऑफ द कंटेनर, या आप ये बोल सकते हो वॉल्स ऑफ द वेसल के साथ, जिस वेसल में आपने इस गैस को रखा है, इस गैस को रखा है। तो हमारा दूसरा जो यहां पे पॉस्टुलेट है, इट इज द मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड साथ साथ एंड हिंस आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर। एक तो ये आपस में कोलिजन करते हैं और किसके साथ, एंड विथ the walls of container, and with the walls of container, या walls of vessel। देख लीजिए क्या है दूसरा पॉइंट हमारा, कि जो ये मॉलिक्यूल्स हमारे हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये तो डिफरेंट डायरेक्शन में मोमेंट करते हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब ये मोमेंट करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये आपस में क्या करे, कोलिजन करे। एक तो ये आपस में कोलिजन करेगा, और देख लीजिए अगर ये वॉल है किसी कंटेनर का, और किस क्या करेगा ये, इस कंटेनर के साथ भी क्या हो जाएगा, इसका कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड व्हाट, जो आपस में ये करते हैं कोलिजन, इनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर कोलिजन। क्या बोलोगे आप इनको, मॉलिक्यूलर कोलिजन, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूलों के दरमियान कोलिजन होता है यहां पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहला पॉइंट ये था कि जो गैस है ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से बना है, जैसे मैटर में भी हम बोलते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, लेकिन यहां पे इन पार्टिकल्स को आप क्या बोलते हो, इन पार्टिकल्स को हम ये बोलते हैं कि जनाब ये जो पार्टिकल्स है ये हमारे मॉलिक्यूल्स, क्या है ये हमारे मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब हमने साथ साथ ये भी बोला कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, एक पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में सिमिलर होंगे, एंड टू डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या डिफरेंट होंगे, क्या होंगे आपस में डिफरेंट, ठीक। एंड दूसरा पॉइंट हमने देख लिया कि जो हमारा ये गैस मॉलिक्यूल्स जो इसमें है ये कंटिन्यूअसली रेंडमली मोशन करते हैं, जिसकी वजह से आपस में ये टकराते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी क्या करते हैं, टकराते हैं। अब मुझे यहां पर बोलिए, हमने मॉलिक्यूलर कोलिजन की बात की, मॉलिक्यूलर कोलिजन की बात की हमने अभी दूसरे पॉइंट में, हमने बोला कि ये मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस जो है ये आपस में टकराते हैं और साथ साथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बोलिए, ये जो हमारे मॉलिक्यूलर कोलिजन्स है, आप ये देख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए, दीज कोलिजन्स, तीसरा पॉइंट, दीज कोलिजन्स आर प्योरली इलास्टिक इन नेचर, प्योरली इलास्टिक इन नेचर, प्योरली इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। हम क्या बोल रहे हैं कि जो ये कोलिजन्स है, फॉर एग्जांपल यहां पे एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लगने आ रहा है, ठीक है, इसके साथ टकरा गया, कोलिजन जिसको आप बोलते हो। हम साथ साथ ये भी बोलते हैं कि जो ये कोलिजन्स है ये प्योरली क्या है, इलास्टिक, क्या है ये, इलास्टिक। अब यहां पर एक बात देख लीजिए आप, ये जो हमारे कोलिजन्स होते हैं, हमने ये पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में कि ये कोलिजन्स दो कसम के होते हैं, एक को आप बोलते हो इलास्टिक कोलिजन्स, फिजिक्स का टॉपिक है, एंड दूसरे को आपने ये बोला होगा इनलास्टिक, क्या बोला होगा, इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन जो दो बॉडीज के बीच पे होता है, दे हैव गॉट टू टाइप्स, एक तो हमारा इलास्टिक इन इलास्टिक हो गया दूसरा। अब ये हमें जो यहां पे चाहिए, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। अब हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के दरमियान जो ये कोलिजन हुआ, ये कोलिजन इलास्टिक है या ये कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक। देख लीजिए, जब एक बॉडी मूवमेंट करती है, यहां पे देख लीजिए ये बॉडी मूवमेंट करती है, फर्स्ट पॉइंट, जब ये मूवमेंट करती है तो हम सबको पता है इसमें कौन सी एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी बात। एंड दूसरा पॉइंट, ये क्या करता है, मोमेंट, इस पार्टिकल के पास क्या है, मास है, एंड जब मोमेंट करता है इसके पास क्या है, वेलोसिटी। दैट मींस एक तो इस पार्टिकल के पास, किस पार्टिकल का पास जो
जो पार्टिकल क्या करता है, जो मोमेंट करता है, और दूसरे पार्टिकल के साथ क्या करेगा, इसके साथ टकराएगा। एक तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, एंड नंबर सेकंड इसके पास क्या है, मोमेंट। इसके पास क्या है, मोमेंट। ठीक, अब अगर यहां पे कोलिजन हो गया, देख लीजिए इसके पास भी कोई एनर्जी मोमेंटम, इसके पास भी, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जब यहां पे कोलिजन हो गया, देयर शुड बी नो लॉस इन एनर्जी, नो लॉस इन एनर्जी। अगर एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है, दैट मींस अगर इसके पास 50 जूल्स एनर्जी थी, टकराने के बाद, इससे टकराने के बाद फॉर एग्जांपल इसके पास 30 था, तो टोटल कितना हुआ हमारा, इट इज 80। अगर टकराने के बाद इसके पास 40, इसके पास फिर 30, 70 रह गया, दैट मींस एनर्जी हैज लॉस्ट हियर एंड दिस कोलिजन इज नॉट इलास्टिक। आपको क्या होना चाहिए, आपका एनर्जी क्या बराबर होना चाहिए। हाँ, एक बात हो सकती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के क्या हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगी। इसके पास 50, इसने 20 इसको दे दिया, अब ये 50, ये 30 बन गया, ये तो चलेगा, लॉस एनर्जी नहीं हुआ, सिर्फ क्या हो गया आपका, ट्रांसफर एनर्जी हो गई, लॉस नहीं होना चाहिए। वेयर इन द कोलिजंस देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, साथ साथ जो ये आपका मोमेंटम है, ये मोमेंटम आपका कंजर्व रहना चाहिए, ये मोमेंटम आपका क्या रहना चाहिए, कंजर्व। ये मोमेंटम चेंज हो सकता है, ये मोमेंटम, बात सुन लीजिए, मोमेंटम चेंज हो सकता है लेकिन कंजर्व रहना चाहिए। अब ये मोमेंटम चेंज कैसे होगा, देख लीजिए, अगर इसके पास प्लस एमवी मोमेंटम था, यहां टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में आया, तो मोमेंटम क्या रह गया, माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में एमवी, बट द वैल्यू हियर एमवी इट इज कंजर्व, इट इज कंजर्व। ठीक है, हमने क्या बोला इलास्टिक कोलिजंस के लिए, हमने इलास्टिक कोलिजंस के लिए ये बोला कि अगर कोलिजन हो रहे हैं एंड देयर इज नो नेट लॉस इन द एनर्जी, द कोलिजन इज व्हाट, द कोलिजन इज व्हाट, द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इज व्हाट, इलास्टिक कोलिजन। हां, अब साथ साथ और एक बात यहां पे देख लीजिए, ये इलास्टिक कोलिजन क्यों होते हैं, इनइलास्टिक क्यों नहीं होते। यहां पर मैंने गैस मॉलिक्यूल्स ले लिए, अगर हर एक कोलिजन पे, अगर हर एक कोलिजन पे एनर्जी लॉस होती, अगर हर एक कोलिजन पे क्या हो जाता, अपनी एनर्जी, अपनी नहीं, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या लॉस हो जाती, तो एक टाइम आ जाता, ये जो यहां पे मॉलिक्यूल है इसके साथ कोलिजन करके इसकी एनर्जी कम, दूसरा कोलिजन के साथ फिर एनर्जी कम, फिर एनर्जी कम, एक स्टेज आ जाता, ये जो मॉलिक्यूल, ये टायर्ड, टायर्ड मींस इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती एंड ये रेस्ट पे आ जाता, ये सेटल हो जाता। क्या हो जाता, सेटल। बात सुन लीजिए यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये कोलिजन इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक हो जाते, तो हर एक कोलिजन से क्या हो जाता, एनर्जी लॉस हो जाती, एंड एनर्जी लॉस होते होते इस मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी लॉस हो जाती, इतनी कम हो जाती कि ये रेस्ट पे आ जाता, जिसको आप बोलते हो ये सेटल हो जाता। If anything settles, it should not be gas. अगर कोई चीज सेटल हो गया तो वो चीज गैस नहीं हो सकती, तो that means इस गैस में जो आपके collisions है वो हमेशा क्या होने चाहिए, that collisions should be elastic in nature, why there is no change, sorry, no loss in energy, no loss in energy. This was the third point. अब हम fourth point की बात करने वाले हैं, very much important. दो तीन पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। ठीक है, देख लीजिए क्या पॉइंट है यहां पे, पॉइंट नंबर फोर। अब देख लीजिए, हां, आप सबने सुना होगा कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या क्रिएट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक, हम देखते हैं कि ये कैसे प्रेशर क्रिएट करते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब देख लीजिए यहां पे मैंने क्या किया, मैंने एक वॉल लिया यहां पे, फॉर एग्जांपल दिस इज द वॉल ऑफ कंटेनर, जिसमें आपने क्या किया है, जिसमें आपने गैस को रखा है। ठीक, यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, क्या है यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स। हम सबको पता है
कि ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये गैस मॉलिक्यूल्स इस वॉल पर स्ट्राइक करेंगे, बम्बार्ड बम्बार्ड करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हम यहां पे लिखते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर के वॉल्स पे गैस मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, कैसे, बाय बम्बार्डमेंट, बाय बम्बार्डमेंट, ये इसका फोर्थ पॉइंट है, बाय बम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यहां पे क्या एग्जर्ट हो जाता है, प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा ना कि ये प्रेशर एग्जर्ट हुआ कैसे, ठीक है। ये गैस मॉलिक्यूल यहां से आ गया, इसके पास, मैंने अभी बोला, इस गैस मॉलिक्यूल के पास दो चीज है क्या, एक तो आपका काइनेटिक एनर्जी है एंड नंबर सेकंड इसके पास मोमेंटम है। क्या इस गैस मॉलिक्यूल के पास जो आके कहां स्ट्राइक कर रहा है, कहां पे स्ट्राइक कर रहा है, इस वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है, इसके पास दो चीज है, जबकि ये चल के आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है और साथ साथ क्या है, इसके पास मोमेंटम। अब मुझे बोलिए, अगर एक बॉल आ रही है, इस बॉल में मोमेंटम है, अब आपको ये मोमेंटम चेंज करना होगा, दैट मींस ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, अब इसको इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, आपको बल्ले को घुमाना पड़ेगा, दैट मींस टू चेंज द मोमेंटम, टू चेंज द मोमेंटम देयर शुड बी अ फोर्स, देयर शुड बी अ फोर्स। मोमेंटम चेंज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर ये मॉलिक्यूल यहां लड़के वापस यहां चला जाएगा, ठीक है, टकरा के यहां चला जाएगा। अब मुझे बोले, यहां पे भी एक चीज तो चेंज हो गई, चलो ये तो इलास्टिक पूरी जगह एनर्जी सेम है, लेकिन मोमेंटम, मोमेंटम क्या, मोमेंटम चेंज हो गया। अब ये मोमेंटम किसकी वजह से चेंज होगा, वहां पे क्या है फिर, फोर्स। जब यहां पे फोर्स, कहां पे फोर्स है, पर्टिकुलर एरिया, ये जो एरिया यहां पे है, इस एरिया पे क्या है आपका, फोर्स, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेशर, इट्स कॉल्ड प्रेशर। दैट मींस जो ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट आया है केमिस्ट्री में, कि गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो कैसे करते हैं, देख लीजिए, गैस मॉलिक्यूल्स टकराता है जिसके साथ, वॉल्स के साथ मोमेंटम चेंज होता है, जब मोमेंटम चेंज हुआ तो वहां पे फोर्स होना ही होना चाहिए, कहां पे फोर्स, एक पर्टिकुलर एरिया पे, दैट मींस वहां पे आपका क्या क्रिएट होता है, आपका वहां के प्रेशर क्रिएट होता है। अब क्या बोला हमने, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कैसे, बम्बार्डमेंट, इसके ऊपर क्या करता है, बम्बार्डमेंट। अब मुझे और एक बात बोलिए, अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि यहां पे पांच गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एंड दूसरा कंटेनर मैंने लिया, यहां पे सेवन गैस मॉलिक्यूल्स है, मुझे बोलिए प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा, प्रेशर इस वॉल पे ज्यादा होगा, माय डियर इज फाइव मॉलिक्यूल्स, या प्रेशर यहां पे ज्यादा होगा, वायर देयर इज सेवन मॉलिक्यूल्स। आप गेस कीजिए, मुझे लगता है यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स यहां पे स्ट्राइक करेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, यहां पे सेवन टाइम्स स्ट्राइक होगा, यहां पे फाइव टाइम्स स्ट्राइक होगा, दैट मींस द प्रेशर विल बी मैक्सिमम हियर एंड इट विल बी मिनिमम हियर, या ऐसे लिख सकते हो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स colliding, number of molecules colliding, simple, number of molecules colliding, ठीक है। तो ये हमारा और एक पॉइंट था इसका, कि जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, वो कैसे एग्जर्ट होता है, हमने देखा कि मोमेंटम चेंज होता है, फोर्स होता है वहां पे किसी एरिया पे, यूनिट एरिया पे, दैट मींस वहां पे प्रेशर क्रिएट होता है। अब कैसे क्रिएट हुआ, जब बम्बार्डमेंट हो गया, क्या हो गया, बम्बार्डमेंट, ठीक। ठीक है, अब नंबर फिफ्थ, मुझे बोलिए, अभी हम बोल रहे थे कि हमारा ये जो कंटेनर है यहां पे, इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स ये रैंडमली मूवमेंट करते हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज, विद डिफरेंट वेलोसिटीज। अभी आपकी वेलोसिटी क्या है, वी,
अब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है यहां पे 1/2 mv². देखा होगा आपने नाइन्थ में काइनेटिक एनर्जी हम जब बोलते हैं इट्स 1/2 mv². हमने यहां पे वर्ड यूज किया है वी डिफरेंट वेलोसिटी, वी डिफरेंट वेलोसिटी। अब जिस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ज्यादा, इक्वेशन में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर किसी की वेलोसिटी कम होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी कम। दैट मींस ऑल द मॉलिक्यूल्स जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं डज नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट याद रखिएगा, जो आपका ये कंटेनर है जिसमें आपने गैस को लिया है हमने पहले ही बोला कि ये डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मोमेंट करता है। इक्वेशन लगा के हमने देखा कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी कम होगी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। दैट मींस ऑल द मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव व्हाट सेम काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पूरे मॉलिक्यूल्स की क्या लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्या लेते हैं हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यही पॉइंट यहां पे इंसर्ट कीजिए, क्या लिखेंगे हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर। देख लीजिए हमारा पॉइंट बन गया यहां पे, क्या पॉइंट बन गया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हमारी है मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है हमारी एब्सोल्यूट टेंपरेचर। एब्सोल्यूट टेंपरेचर मींस केल्विन टेंपरेचर, जितना आप टेंपरेचर को इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाएगी, जितना आप टेंपरेचर को डिक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इवन अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके देखूं तो ऐसे लिखो आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेंपरेचर पे डिपेंड करता है इसका। एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। देख लीजिए क्या पॉइंट बना लिया हमने यहां पे, पहले तो सिंपल सी बात लिखी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो किसी मॉलिक्यूल की तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेंपरेचर के, जितना टेंपरेचर आप इंक्रीज करोगे उतना आपकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, जितना टेंपरेचर डिक्रीज करोगे उतनी काइनेटिक एनर्जी भी आपकी डिक्रीज होगी। और साथ साथ हमने क्या बोला कि अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो हम ये बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करती है एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अगर यहां पे मैं 1 मोल ले लूं हाइड्रोजन का एंड यहां पे मैं क्या करूं 1 मोल ले लूं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस मैंने टेंपरेचर सेम रखा है, क्या रखा है टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड। बात समझिएगा यहां पे, मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, हियर द टेम्परेचर इज सेम, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन मस्ट बी सेम हियर बिकॉज द टेम्परेचर इज सेम। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था, क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर, या ऐसे बोल सकते हो कि ये सिंपली सिर्फ एंड सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता। तभी मैंने एग्जाम्पल एक ले ली कि अगर टू डिफरेंट गैसेस सेम टेंपरेचर पे लिया जाए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी उस वक्त क्या होगी सेम होगी। देख लीजिए मैंने पहले ही बोला आपको कि जो ये हमारा क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है इट इज एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस, ये आइडियल गैसेस के लिए है। ठीक है,
आइडियल गैसेस के लिए। हाँ, हम ये बोल सकते हैं इट इज 100% फॉर आइडियल गैसेस एंड पार्शियली फॉर रियल गैसेस। थोड़ा बहुत कुछ पार्शुलेट्स ऐसे हैं जो रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस दोनों सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन यहां पे मैं अब ऐसे दो पार्शुलेट्स लिखने की कोशिश करूंगा जो सिर्फ एंड सिर्फ किसके लिए है, आइडियल गैसेस के लिए है, एंड रियल गैसेस डज नॉट फॉलो देम, एंड रियल गैसेस डज नॉट फॉलो देम। लेकिन वो जो दो पॉइंट है आपको बहुत ही अच्छे से समझने होंगे, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर में रियल गैस एंड आइडियल गैस समझ पाओगे, ठीक है। नंबर सिक्स पॉइंट देख लीजिए, मैं पहले बोल रहा हूं दिस इज फॉर 100% फॉर आइडियल गैसेस एंड पार्शली फॉर रियल गैसेस। अब तक जो पॉइंट्स हमने 5 पॉइंट्स पढ़ लिए वो दोनों गैसेस पे अप्लाई होते हैं, आइडियल गैसेस पे एज वेल एज रियल गैसेस पे। लेकिन जो मैं अब पॉइंट लिखने जा रहा हूं दे आर ओनली फॉर आइडियल गैसेस, रियल गैसेस उनको ओबे नहीं करते। देख लीजिए क्या, देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज लार्ज डिस्टेंसेस, देयर इज लार्ज डिस्टेंसेस बिटवीन the molecules of gas, between the molecules of gas, between the molecules of gas। ये तो हमें पहले ही पता है, हमने भी पहले ही देख लिया है ये पहले 9th-10th में कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ये बात तो ठीक है यहां तक, देयर इज लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ, देख लीजिए क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज आर नेगलिजिबल एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ गैस। मैंने पहले ही बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है ये, रियल गैस आइडियल गैस को आपको डिफाइन करेगा, उनको डिफरेंशिएट करेगा आगे कल के लेक्चर में। हमने पहले बोला देयर इज लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये तो सिंपल सी बात है, यहां पे एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल दूर होगा, इसी को हम बोलते हैं कि देयर इज लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स एट द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। मगर साथ साथ जो ये लिख रहा है द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है ये बहुत ही कम, नेगलिजिबल वर्ड जब आपने इस्तेमाल किया दैट मींस अप्रोक्सीमेटली जीरो। देख लीजिए क्या बोल रहा है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम जीरो है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम जीरो है, नेगलिजिबल है, उनका वॉल्यूम जीरो है, नेगलिजिबल। अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें यहां पे, देख लीजिए मैं यहां पे एक कंटेनर ले रहा हूं, इस कंटेनर को मैं क्या करूंगा, ये सीलर है, इसमें गैस ले लो, ये ले लिया गैस। देख लीजिए जैसे ही आप इसमें गैस छोड़ोगे, सबको पता है गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, जितना अवेलेबल स्पेस यहां पे होगा ये सारा अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस हियर, इट्स वेरी मच बिग, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा कंटेनर लूंगा। अब मुझे बोलिए, मैंने गैस यहां इस रूम में छोड़ दी, इसके मॉलिक्यूल्स यहां 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 सब जगह फैल गए, दैट मींस इसने बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। अब अगर मैं एक काम करूं, मैं इनके मॉलिक्यूल्स को पकड़ के एक कोने में यहां पे भर दूं, मॉलिक्यूल्स को पकड़ के यहां पे भर लूं, या ऐसे करो आप, इस पे पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करो, ये नीचे आता आता जाएगा एंड ये मॉलिक्यूल्स एक कोने में जमा हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को प्रेस करके एक कोने में जमा करूंगा, फॉर एग्जांपल इतने मॉलिक्यूल्स इस गैस के थे, जब आपने इनको फ्री छोड़ा था ये सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते थे, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम इनका क्या है, बहुत ही कम, नेगलिजिबल, जीरो। अब ये वॉल्यूम किसकी वजह से इतना ज्यादा ऑक्यूपाई करते थे, बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ दिस लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स।
अब ये प्रोसेस आपको क्या एक्सप्लेन करता है, ये आपको ये एक्सप्लेन करता है कंप्रेसिबिलिटी। आपने देखा होगा गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल क्योंकि इसमें बहुत सी ज्यादा स्पेसेस है। जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करते जाओगे ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे और यहां पे आप देख लो जो ये मॉलिक्यूल्स है इनका वॉल्यूम कम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ फुल गैस। ठीक है, हाँ यहां पे आप देख लीजिए आइडियल गैसेस के लिए ठीक है, लेकिन अब अगर आप समझने की कोशिश करोगे, सोचने की कोशिश करोगे, आई वी डू नॉट थिंक कि ये जो हमारा पोस्टलेट है ये सही है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होना चाहिए। इसने क्या लिखा है अप्रोक्सीमेटली जीरो, दैट्स व्हाट रियल गैसेस, जो रियल में गैसेस है वो ये बात नहीं मानते, वो ये बात नहीं मानते, आइडियल गैसेस ये बात मानते हैं। ठीक है, अब हम इसका और एक पोस्टलेट यहां पर देख लेते हैं, नंबर सेवन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे ये सिक्स हमारा इंपॉर्टेंट था वैसे ही सेवंथ भी हमारा इंपॉर्टेंट है, अप्लाई टू आइडियल गैस, रियल गैस उसको नहीं मानता। क्या बोल रहा है, हमने अब तक क्या देखा है, अब तक हमने नाइन टेंथ में पढ़ा था कि जो हम मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, पढ़ा होगा, अब इरेज कीजिए उसको, ये काइनेटिक थ्योरी नहीं मानती। क्या बोलता है काइनेटिक थ्योरी, ये बोलता है देयर इज no force of attraction, there is no force of attraction between molecules of gas, between molecules of gas, kya bol raha hai, there is no force of attraction between molecules of gas, lekin yaad rakhiye ye jo point hai it is for the ideal gases, real gases isko nahi manega, kya bol raha hai ki jaise aapne bola ki do molecules ke darmiyan bahut zyada distance hai ya bahut zyada distance hai tab inke darmiyan jo force of attraction even force of repulsion in me kya hai, that is negligible, negligible means zero, negligible means there is no force of attraction between the molecules of ye ideal gas ke liye real gases ko nahi manega। theek hai, number 8th point and the last point, important point jo hum yahan discuss karne wale hain, ab mujhe ye boliye agar main is marker ko yahan pe throw karu, main is marker ko chhodne ki koshish karunga, after some time ये क्या करेगा, ये जमीन पे पड़ जाएगा, पैराबोला एक बना जाए, प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ ये इख्तियार कर लेगा। ठीक, लेकिन दैट मींस जो ये मार्कर है हमारा इस पे एक फोर्स एक्ट हुआ है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ खींचता है जिसकी वजह से ये पैराबोलिक पाथ में जमीन पर गिर गया। ठीक, अब अगर इस मॉलिक्यूल ऑफ गैस को ले लीजिए आप, इस मॉलिक्यूल ऑफ गैस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता, नेगलिजिबल, ये देख लीजिए नेगलिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, नेगलिजिबल वॉल्यूम, नेगलिजिबल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्का है, इट्स लाइट, इट इज लाइट, तभी ये क्या करता है, ये स्ट्रेट लाइन में पाथ ट्रैवल करता है गैस मॉलिक्यूल, मार्कर स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकता, इसको पैराबोलिक बनाना ही पड़ेगा विद, क्योंकि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता है, इसको नहीं खींच सकता, तो ये क्या करता है, ये स्ट्रेट होगा। ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, on the molecules of gas is negligible and hence it travels in straight line, they travels in straight line। ठीक है, this was all about kinetic molecular theory of gases, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अब next topic में हम real gas and ideal gas पढ़ेंगे, till then Allah Hafiz, good bye।